जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि हमें एसएससी जीडी के बारे में पढ़ा दीजिए, तो 3 क्लासेस में आपकी चला चुकी हूँ, रीजनिंग करा दी, आज की क्लास मतलब आज ही का डाटा बता रही हूँ मैं, मैथ भी कराया है मैंने, हिंदी भी कराई है, और अब की क्लास है आपकी जीएस की। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। ठीक है, फालतू का नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 2 महीने में फालतू का पढ़ेंगे तो इम्पोर्टेंट भूल जाओ। ठीक है, तो वर्दी बैच है ये अपना, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये एसएससी जीडी और यूपी पुलिस वालों के लिए है। तो बस आप इसमें देख लीजिए, क्लास 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब बेसिक से। मैं कोशिश करूँगी कि इस क्लास में ही आपको ये पूरा याद करा दूँ। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भारत, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक स्तंभ है, ये तो मुझे भी पता है, और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं आपको भी पता है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मली सबको पता है, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ है। अब नार्वे का कैसे याद करेंगे हम, नार्वे में बहुत सारे शेर रहते हैं, नार्वे में बहुत सारे शेर रहते हैं, नार्वे का शेर हो गया। ठीक है, अब बांग्लादेश का कैसे याद करोगे, बांग्लादेश जो है मतलब एक बंगला है, वहाँ बंगले के अंदर क्या होता है, पानी होता है ना, पानी होता है नहीं होता, तो बंगले के अंदर पानी है, तो बस वाटर लिली याद हो जाएगा। बस थोड़ा ही तो अपना दिमाग में रखना है, हमें कोई चीज़ रटनी नहीं है, हमें बस जोड़ जोड़ के वो सारी चीज़ें पढ़नी है जिससे कि वो हमारे दिमाग में रहें। ठीक है, बंगले में क्या है, पानी है, वाटर मीन्स पानी होता है। ठीक है, अब फ्रांस, फ्रांस का लिली, फ्रांस को आप कैसे याद करेंगे, लिली फंस गई, फ्रांस को फंस याद कर लो, लिली फंस गई, तो बस याद हो गया। अब ऐसे ही नीदरलैंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है शेर, अब नार्वे में तो बहुत सारे शेर रहते हैं, तो मैंने अभी आपको याद करा दिया ना, और आपको याद हो गया। ठीक है, नार्वे में कौन रहते हैं, बहुत सारे शेर रहते हैं। अब ऐसे ही नीदरलैंड, अब नार्वे न से स्टार्ट हो रहा है, ये भी नार्वे न से स्टार्ट हो रहा है, और नीदरलैंड न से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो 2 अक्षर मेरे न से स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ रहते हैं शेर। ठीक है, तो ये भी मुझे याद हो गया, यहाँ क्या रहते हैं, शेर। तो राष्ट्रीय चिन्हों को बस थोड़ा ऐसे ही दिमाग लगाकर याद करने की कोशिश कीजिएगा, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखोगे। अब ईरान, ईरान, ईरान गुलाब का फूल, ईरान में तो बहुत ही सुंदर गुलाब का फूल खिलता है, इतना सुंदर कि अपने भारत में भी नहीं खिलता, वाह, मतलब ऑल ओवर इंडिया में कहाँ सबसे सुंदर गुलाब का फूल खिल रहा है, ईरान में। स्पेन ईगल, ईगल स्पेन, ईगल स्पेन में चले गए बहुत सारे ईगल, और ईरान में खिल गया गुलाब का फूल। ठीक, यूएसए गोल्डन रॉड, अब आपने देखा होगा यूएसए अमेरिका को बोलते हैं, जो अमेरिकी लोग होते हैं उनके जो बाल होते हैं किसी किसी के गोल्डन टाइप में होते हैं, आपने देखा है ना, गोल्डन कोई रेड, तो आप बालों के ऊपर याद कर लीजिए इसे, कि जो उनके बाल होते हैं अंग्रेजों के वो गोल्डन टाइप में होते हैं। ठीक है, तो गोल्डन रॉड। इटली सफ़ेद लिली, अब इसको ऐसे याद कर लो, इटली पीछे क्या रहा है, ली, इसमें क्या रहा है, ली ली ली, याद हो गया, ऑप्शन में दिख जाएगा तो आपको याद आ जाएगा अपने आप, इटली सफ़ेद लिली। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बैटल, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा बैट लगाई जाती है, बैट मीन्स शर्त लगाई जाती है। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई हो, जो मैंने आपको बताया है, आप भी अपना थोड़ा दिमाग लगा के कुछ ना कुछ बना लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। सो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेशन में बताइए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और
अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।